जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए संपर्क करें एडवोकेट आदर्श दशोरे, ऑफिस रामेश्वर रोड मिलन टेंट हाउस के पास। गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर लाखों लाख श्रद्धालु दादाजी मंदिर में दादाजी की समाधि पर माथा टेकते हैं और देश प्रदेश और अपने घर के सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं और जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे दान भी देकर जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद दादाजी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने दान को गिनना शुरू किया है। हालांकि मंदिर ट्रस्टियों का कहना है कि दान गिनने की प्रक्रिया अभी जारी है जो देर रात तक पूरी हो जाएगी। फिलहाल दान कितना आया है एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन लाखों रुपए में दान आने की उम्मीद जताई जा रही है। कई नई चीज़ें भी दान में मिली, कई लोग अपनी मनोकामना लिखी हुई चिट्ठी, दादाजी को अर्जी, इस तरह की चीज़ें भी दान पेटी में अक्सर डाल के जाते हैं। जैसी दादाजी जी, दादाजी महाराज के गुरु पूर्णिमा उत्सव का ये पेटी खोलने का जो कार्यक्रम ये चला है, इसमें करीब 11:30 से शुरू हुआ है। 20 पेटियाँ में है जो गुरु पूर्णिमा उत्सव के चार पाँच दिन के विशेष है। मैं सोचता हूँ रात्रि के लगभग 8 या 9 बजे तक चली गई और अभी विशेष रूप से इसमें जो भी मुद्राएँ आती हैं वो कलेक्ट करते हैं और इसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर चांदी की जो मालाएँ लगभग वजन है 1.5 किलो की, वो दादाजी महाराज की जो कंधा है बहुत सारी अपने नाम डिस्क्लोज नहीं करने का अनुरोध किया है। बहुत दादाजी महाराज के पुराने भक्त उन्होंने, और इसके अलावा भी कुछ अर्जी भी आई दादाजी की। दादाजी के बहुत सारे भक्त लोग हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए आवेदन, दादाजी महाराज उसको सुनते हैं, उसमें हमको कोई कमेंट करने का अधिकार भी नहीं रहता, ना हम कोई कमेंट करते हैं। वो एक्चुअली दादाजी महाराज के भक्त और वो उनका सीधा संबंध उसका रहता। कई लोग को प्रार्थना भौतिक रूप से करते हैं और कई लोग जो हैं वो दादाजी को लिख करते हैं। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी मोंदी रोड सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास पदम नगर इंदौर रोड खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।